पानी को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आग बुझाने में यूज किया जाता है। पानी के जो प्रॉपर्टीज हैं, पानी के जो विशेषताएं हैं, आज की वीडियो में हम देखें डिटेल से पानी को ही क्यों यूज किया जाता है। जय हिंद, मेरा नाम विजय दहिया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैकी गुरुकुल के अंदर। इस चैनल पर हम फायर सेफ्टी का कम्प्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑनलाइन ये कोर्स कहीं पर अवेलेबल है ही नहीं और इतना टाइम सबके पास नहीं होता कि वो जाके 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए फायर सेफ्टी का कोर्स ज्वाइन किए करें और अपना ड्यूटी छोड़ के फायर सेफ्टी सीखने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम उसमें कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं, उसमें आपको हर टर्म फायर मिलेगी, लेकिन जो हमारे सिविलियन, जो हमारे अदर जो प्रोफाइल में हैं, उनके लिए भी अगर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आग लगने पर वो ऐसे घबरा जाते हैं, और जबकि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो देख के वो सीख सकते हैं ताकि वो आग लगने पर ऐसे आग बुझा सकें, इतनी आसानी से आग बुझा सकें। हमारा टारगेट यही, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फायर सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम जो अग्नि दुर्घटनाएं हैं उनसे जो जान माल की हानि देश में हो रही है उसको मिनिमम लेवल पर लेके आ सकें और फायर सेफ भारत बनाने में आप हमारी मदद कर सकें। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं पानी क्या होता है। पानी H2O मतलब दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ है, और पानी को की जो कॉस्ट है वो अदर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जैसे CO2 गैस या DCB पाउडर या ABC पाउडर, इनसे काफ़ी सस्ता है। फिर इसकी अवेलेबिलिटी, ये हर जगह अवेलेबल है, ये आपके हर कंट्रीज में ऑलमोस्ट पानी मिल ही जाता है, अरेबियन कंट्रीज को छोड़ के, पर वहाँ भी फायर फाइटिंग के लिए तो मिल ही जाता है। तो एक इसकी जो सूटेबिलिटी है, ये तकरीबन हर फायर पे ही, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रिकल को, तो मोस्टली ये काम दे देता है, वहाँ पे हमारा पानी यूज कर सकते हैं। पानी को हम बेस्ट फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग मीडिया मानते हैं, उसका रीजन क्या है? तो चलिए उसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं, हम पानी को ही क्यों बेस्ट मानते हैं। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 99.98 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है उसको, 0.02 का डिफरेंस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपराइज होता है। तो इसको जो वेपराइज होने में, जो 1 लीटर पानी को अगर हम वेपराइज करेंगे तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या कितनी एनर्जी वहाँ से जो फायर जोन है वहाँ से कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा? तकरीबन 22,60,000 जूल एनर्जी 1 लीटर पानी वेपराइज होगा तब तो वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इतनी एनर्जी जो वहाँ पे फ्लेम्स आपकी जल रही हैं उस वहाँ से इतनी एनर्जी ले लेगा। तो जो इतनी एनर्जी लेगा तो वहाँ का जो एरिया का जो टेम्परेचर है, एनर्जी जो उसको आगे ग्रो करने के लिए चाहिए, तो 1 लीटर पानी उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। पॉइंट इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर जब जाएगा तो पानी लिक्विड से आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, स्टेट चेंज करेगा, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये लेगा हमारा 3,36,000 जूल जो एनर्जी है वो, इतनी गर्मी वहाँ से ले लेगा। एक रूम के अंदर रखे हुए हैं इसको, वहाँ पे कोई आग नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी 1 लीटर आइस को अगर हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 3,36,000 जो वहाँ की गर्मी है एटमोसफेयर से वो एब्जॉर्ब करके ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो 1 लीटर पानी को अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर रखा हुआ है 35 डिग्री रूम का टेम्परेचर, उसको 36 डिग्री करना है, तो वो 4,200 जूल एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। फिर उसके अलावा जो इसकी जो कोहेंसन है, जो आपस में इसके बॉन्डिंग है, वो जब आप देखेंगे किसी भी सरफेस पे पानी अप्लाई करते हैं, फेंकते हैं या स्प्रे करते हैं, तो ड्रॉपलेट के साइज में जम जाता है, छोटे 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 बूंद उसकी सरफेस पे हो जाएंगी। जैसे शीशे पे भी मारेंगे आप, स्प्रे करेंगे तो कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स वो हो जाएंगी, तो उसका फायर जोन में भी वो ऐसे ही जोन होगा, तो जहाँ पे वो पानी चिपकेगा उसका, तो वहां पे वो अपना इफेक्टिवनेस जो उसकी फायर फाइटिंग है उतना एरिया में वो करेगा। ये जो पानी है हमारा तीनों स्टेज में रह सकता है, ये वेपर फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, और ये हमारा बर्फ में भी रह सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में हमारा पानी रह सकता है। पानी
कि जो मिसेबिलिटी है वो कई प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे अल्कोहल है या एथाइल एथेनॉल है, जो और फ्लेमेबल हैं कई स्पिरिट्स हैं कई, तो उनके साथ ये हमारा उसमें मिसेबल हो जाता है, उसके साथ घुलनशील होता है, उनके साथ घुल जाता है, विनेगर वगैरह के साथ भी ये घुल जाता है। तो पानी की ये प्रॉपर्टी भी उसको, जैसे इमल्सी है, एल्कोहल में आग है या कोई दूसरे ऐसे सब्सटेंस है जो उसमें पानी घुल सकता है, तो उसमें डाइल्यूशन के थ्रू, इमल्सीफिकेशन के थ्रू ये हमारी फायर फाइटिंग में हेल्प करता है। पानी कैपिलरी जो इसकी कैपेबिलिटी है, पानी को इजीली पंप किया जा सकता है। आप पानी को 70 मंजिल ऊपर बिल्डिंग में ले जा सकते हैं और पानी को 70 किलोमीटर दूर भी पंप किया जा सकता है। तो इसकी जो ये खासियत है, ये भी पानी को अच्छा एक फायर फाइटिंग मीडिया बनाती है। फिर इसके अलावा जो इसका एक्सपेंशन है, 1 लीटर पानी को अगर हम वेपोराइज करेंगे तो 1 लीटर जो हमारा पानी है वो 1700 लीटर उतने वॉल्यूम के बराबर एयर बनाए, वो भाप बनेगा, स्टीम बनाएगा। तो जो हमारी वो जो 1700 लीटर हमारी भाप होगी, वो 1700 अपने साइज के इक्वल ही वहाँ से एयर को डिस्प्लेस करेगी। तो इस रूम में अगर हम 1 लीटर पानी को वेपराइज कर दें, तो यहाँ की जो हवा है जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही है, जो नॉर्मल एयर एटमोसफेयर से मिल रही है हमें फायर को सस्टेन करने के लिए, तो वहाँ से उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको बता देगा। तो कूलिंग के द्वारा तो आप बुझाएगा ही, ये उसकी स्मूदनिंग भी करेगा, वहाँ पे एटमोसफेयर की जो एयर की सप्लाई है उसको भी कट ऑफ करेगा, और वहाँ को जो हमारी आग है उसको बुझाने में हमारी हेल्प करता है। जो हमारा पानी है ये 1650 डिग्री सेल्सियस तक ब्रेक नहीं होता, मतलब 1650 डिग्री तक भी कहाँ पे टेम्परेचर है वहाँ पे हम पानी को अप्लाई कर देंगे तो इसके जो मोलिकुल्स बॉन्ड है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो ब्रेक नहीं होगा, वो 1650 डिग्री तक वैसे ही काम कर रहा है। तो काफी हाई टेम्परेचर होता है, या इस टेम्परेचर हम पानी को सेफली यूज कर सकते हैं। पानी है वो हमारे फोम प्रोड्यूस करने में काम आता है, जो भी हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की फायर होती है उसको बुझाने के लिए हम फोम का यूज करते हैं। तो उसमें जो फोम के साथ जो इसमें फोम कंपाउंड मिलाते हैं हम पानी में, तो भी उसमें हमारी हेल्प करता है। मिस्ट में यूज कर सकते हैं, सॉलिड जेट में, स्ट्रीम में, या स्ट्रीम के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं फायर फाइटिंग के दौरान। तो मल्टीपल यूजेस हैं पानी के। इसका तो हम पानी के साथ ना वेटिंग एजेंट्स भी मिला सकते हैं, जैसे जो ग्रीस ऑयल वगैरह की फायर होती है, तो जो किचन के टाइप के जो एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें वेटिंग एजेंट हम पानी के साथ मिलाते हैं, तो उसमें भी पानी हमारी हेल्प करता है आग बुझाने में। 3 तरीके से आग बुझाता है, कूलिंग से जो हमारी जो फायर जोन है वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो कूलिंग के द्वारा आग बुझाता है, उसका टेम्परेचर है फ्यूल का, उसको जो हमारा फायर पॉइंट है उससे नीचे ले आता है तो आगे सस्टेन नहीं कर पाती फायर और बुझ जाती है। उसके बाद ये स्मूदरिंग करता है, स्मूदरिंग जो मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, जो 1 लीटर इसके वेपर्स, 1 लीटर पानी के 1700 लीटर ये उसमें वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो जो सेम अमाउंट की जो एयर है उसको डिस्प्लेस करेगा वहाँ से, और हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कट करेगा, रिड्यूस करेगा, और हमारी जो आग है वो बुझाने में हेल्प करेगा। डाइल्यूशन और इमल्सिफिकेशन, एल्कोहल फायर है या कोई इथाइल एल्कोहल है जो बिखर गया है, तो उसमें आप पानी को अप्लाई करके उसको डाइल्यूट करके इमल्सीफाई करके आपको बुझाया जा सकता है। तो ये पानी के बारे में प्रॉपर्टीज देखी। फिर तो इसके बाद पानी की प्रॉपर्टीज के बाद हमारी आती है पानी के कुछ लिमिटेशंस। पानी यूनिवर्सल फायर फाइटिंग मीडिया है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो फायर फाइटर को जानने बहुत ज़रूरी हैं। फायर फाइटर के अलावा जो हमारे ग्रहणी हैं या हमारे जो और सिविलियन हैं उनको भी पानी की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। कभी फायर फाइटर नहीं है वहाँ पे और उनको आग बुझानी पड़ जाए तो वो पानी को गलत जगह पर अप्लाई करके नुकसान ना करा ले, इसलिए उनके लिए भी बहुत ज़रूरी लिमिटेशन जानना है। चलिए जानते हैं। पानी को कभी भी जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनके ऊपर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, जैसे किचन के अंदर हमारा एडिबल ऑयल्स हो गया या हाइड्रोकार्बन्स हो गया, तो वहाँ पे अगर आप डालेंगे तो बॉयलर का खतरा है। बॉयलर के लिए हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कैसे बॉयलर होता है, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं बॉयलर का क्या होता है। एक पानी होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव, अगर आप लाइव इलेक्ट्रिसिटी पे अगर इसको पानी को अप्लाई कर देंगे तो आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है, और आपको लाइफ हैजार्ड भी हो सकता है। पानी केमिकल रिएक्टिव भी है, सोडियम के साथ इसको मिला देंगे या H2SO4 में, तो वहाँ पे वायलेंटली वो करेगा, रिएक्ट करेगा, तो जो कुछ केमिकल्स हैं वहाँ पे इसको सेफ्टी के लिए पानी वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। पानी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वहाँ पे हम पानी को अप्लाई नहीं कर सकते, अगर हम ज़्यादा पानी अप्लाई कर दें रेडियो एक्टिव मटेरियल की वो फायर वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो
तो पानी की जो स्पिलेज है, जो पानी बहेगा हमारे समुन्द्र में जाएगा, नदियों में जाएगा पानी, फिर नाले में जाएगा, नाले के थ्रू नदियों के थ्रू जो आगे जाएगा, तो वहाँ पे जो कंटेमिनेट, जो वहाँ पे बायो उनके जो वहाँ पे जीव जंतु है उनको हम कंटेमिनेट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो पानी की लिमिटेशन है वहाँ पे, पानी की लिमिटेड मात्रा में ही यूज़ करना है रेडियो एक्टिव मेटेरियल के फायर्स में, या कोई लीकेज है या रेडिएशन वगैरह है वहाँ पे पानी कम मात्रा में अप्लाई करना है, ज़्यादा हैजार्ड्स हैं उसके तो सिटी है वो कम है, जैसे जंगल के आ गए या किसी बिल्डिंग के अंदर आ गए, हमने पानी मारा तो मोस्टली पानी ना रन ऑफ हो जाता है वहाँ से, बह जाता है साइड से, ये इसकी थोड़ी लिमिटेशन है। उसके लिए हम वाटर मिस्ट या स्ट्रीम करके जो नई नोजल आ रखी है उससे हम उसको पानी को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हम बांट के अप्लाई करते हैं, तो पानी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है उससे। लेकिन अगर हम सोलर जेट लगाएंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम होगी। फिर पानी में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है। यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ही माइनस में रहता है, 0 से नीचे रहता है, तो वहाँ पे फायर फाइटिंग कैसे होती है? वो पानी में एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे पानी जमे नहीं, और फायर फाइटिंग की जो पाइपलाइंस होती हैं, जो फिक्स फायर फाइटिंग पाइपलाइंस रहती हैं स्प्रिंकलर सिस्टम है या ड्रेंजर सिस्टम है, तो उसमें भी एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाया जाता है जिससे पानी 0 से कम डिग्री टेम्परेचर जहाँ पे एटमोसफियर है तो वहाँ पे वो ना जम पाए, और कंटिन्यू जब हमारे इन केस ऑफ इमरजेंसी में फायर की पानी की जरूरत हो तो भी वो वहाँ पे काम दे दें। तो आज के वीडियो में देखा आपने पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं, पानी की जो प्लस पॉइंट्स हैं, पानी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पानी के लिमिटेशंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो पानी के जो प्लस पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव। इसी का रीजन है पूरे वर्ल्ड वाइज हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज होता है वो हमारा वाटर ही होता है। तो उम्मीद है आपको एक समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट्स रह गया तो वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।